नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आपको याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले आपसे एक वॉशिंग की क्लीनिंग की वीडियो शेयर की थी। उसी वक्त गाड़ी को क्लीन करते करते मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे गाड़ी में कील फंसी हुई है टायर के अंदर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उस दिन थी वो ये थी कि उस दिन लॉकडाउन लगा हुआ था, वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ था, सारी टायर शॉप्स बंद थी। तो मैंने क्या करा, सबसे बढ़िया काम जाके पुलिस वाले से ही पूछा कि भैया आपकी गाड़ी में पंचर हो जाएगा तो कहाँ सही कराओगे। तो उन्होंने बताया कि एक पंचर वाले का घर है, वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे उसने फिर ये चेक किया और पंचर फिक्स किया। जब मैंने उन्हें दिखाया तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो है कील अगर आप लगे भी रहने दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मान लो मैं इसको लगे रहने देता तो प्रॉब्लम ये होती कि अगर मान लिए कील टायर रोटेट होते होते अंदर घुस जाती और ये सारे टायर को काट देती, मतलब समझ रहे हो, अगर कील एक बार टायर के अंदर चली जाए तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है और सारे टायर को डैमेज कर देती है। अब उसने बोला कि ये ट्यूबलेस में नहीं होता लेकिन ये ट्यूब वाले में ज्यादा होता है कि भाई ट्यूब खराब हो जाती है। ये देखो यहाँ पे पंचर वाले भैया का घर ही था तो यहाँ पे ये लोग लॉकडाउन में अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। ये एक तरीके से इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ है। तो ट्यूब वाले में भी खतरा होता है, ट्यूब वाले में तो ज्यादा खतरा होता है, और उसके अलावा ट्यूबलेस में भी वो धीरे धीरे उसको टायर को काटती ही रहेगी। ठीक है, मैंने तो यही डिसाइड करा कि भाई मैं इसको निकलवा लेता हूँ। और अभी देखना आप जब इसको निकालेंगे तो निकालने के बाद में ये इतनी मतलब कितनी अंदर तक घुसी हुई थी, और अभी देखना आप इसको पी प्लास की हेल्प से निकालेंगे। तो ये देखो, अगर प्रॉब्लम हो लॉकडाउन में और इस तरीके की समस्या खड़ी हो जाए कि पंचर हो गया गाड़ी में, कोई शॉप खुली हुई नहीं है, तो सीधा जाके भैया एडमिनिस्ट्रेशन वालों से पूछो, पुलिस वालों से पूछो, वही बताएंगे कैसे इसका समस्या का समाधान करना है। क्योंकि देखो गाड़ियां तो चलती हैं और कुछ कुछ ऐसी इमरजेंसी वाले दुकानें खुली होती हैं जिसमें कि आप अपना जाके ये सब काम वगैरह करवा सकते। दोस्तों ये एक बहुत ही छोटी सी वीडियो है, मैंने पता है इससे मैंने एक सीख खो ली। अगर मान लो ये तो काम यहाँ पे हुआ, अगर मान लो ये चीज यहाँ पे नहीं होती है तो आप अगर मान लिया कहीं पे रोड पे हो और वहाँ पे ये हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है और आप गाड़ी रोकते हो ब्रेक लेने के लिए या फिर क्या कहते हैं पी ब्रेक लेने के लिए या फिर आप टी ब्रेक वगैरह लेने के लिए, तो जो ट्यूबलेस वाले टायर होते हैं उसमें एकदम से हवा नहीं निकलती पंचर होने के बाद, लेकिन जब आप गाड़ी को रोकते हो ले जाके तो एकदम से हवा निकल जाती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, या तो आप अपने पास में एक हैंड पंप रखो, उससे क्या करो उससे हवा भर दो उस टाइम पे, सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन वही है, उससे हवा भर दो और हवा भरने के बाद में गाड़ी को अपने एक ऐसे डेस्टिनेशन पे ले जाओ जहां पे पंचर फिक्स हो सकता हो। दूसरा सोल्यूशन क्या है, ये जो पंचर ये जिस तरीके से लगा रही हैं, ये जो लाल इन्होंने ये अंदर घुसाया है, ये मटेरियल जो होता है इसकी एक किट आती है, उस किट को अपने पास रखो, जो पंचर जहाँ पे आपको कील वील दिखाई दे रही है उसको एक प्लास से निकाल लो, निकालने के बाद में इस इंस्ट्रूमेंट से वहां पे अंदर तक छेद करो और उसके बाद में इससे उसको अंदर घुसा दो इस मटेरियल को, और ये लग गया आपका पंचर। बाकी जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको काटो या ना काटो वो अपने आप ही घिस जाता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत उसमें हवा भरो अपने पंप से और हो गया आपका काम, है ना। तो ये अच्छा तरीका है एक तरीके से। मतलब दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये बहुत ही एक छोटी वीडियो थी बस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आप अपनी गाड़ी को टायर पंचर अगर हो जाए लॉकडाउन वगैरह में तो कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे फिक्स करवा सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई बस ये बताने के लिए कि अगर लॉकडाउन वगैरह में पंचर हो जाए तो कैसे उसको सही करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम।